परिचय। विश्व की प्रत्येक वस्तु में गति होती है। हम चलते हैं, दौड़ते हैं और साइकिल चलाते हैं। हम पेड़ों से गिरते पत्तों और बांध से बहते हुए पानी को देखते हैं। मोटर गाड़ी और वायुयान यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। पृथ्वी 24 घंटे में एक बार अपनी अक्ष के परितः घूर्णन करती है तथा वर्ष में एक बार सूर्य की परिक्रमा करती है। सूर्य अपने ग्रहों सहित हमारी आकाशगंगा नामक मंदाकिनी में विचरण करता है तथा जो स्वयं भी स्थानीय मंदाकिनियों के समूह में गति करती है। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। यांत्रिकी और इसके वर्गीकरण को समझना, स्थैतिकी और गतिकी में भेद करना, भ्रमावस्था और गति के बीच विभेद करना, सापेक्ष गति को समझना, गति के प्रकार समझना, बिंदु द्रव्यमान वस्तु और निर्देश तंत्र को परिभाषित करना, पथ लंबाई और विस्थापन के बीच विभेद करना, वेग और चाल में विभेद करना, यांत्रिकी और इसके वर्गीकरण। सभी सजीव वस्तुएं बिना किसी बाहरी सहायता के स्वतः गति करती हैं। जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं या वे अपने शरीर के विभिन्न भागों को घुमाते हैं। भौतिकी की शाखा जो भौतिक वस्तुओं की गति का अध्ययन करती है उसे यांत्रिकी कहते हैं। यांत्रिकी को मोटे तौर पर दो रूपों में वर्गीकृत किया गया है, स्थैतिकी और गतिकी। स्थैतिकी एवं गतिकी। स्थैतिकी यांत्रिकी की वो शाखा जो उन वस्तुओं का अध्ययन करती है जो विरामावस्था में है, स्थैतिकी कहलाती है। ये साम्य अवस्था में कार्य करने वाले बलों के प्रभाव में वस्तुओं की गति का अध्ययन है। समय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गतिकी यांत्रिकी की वो शाखा जो गतिशील वस्तुओं और उनकी गति के कारकों का अध्ययन करती है उसे गतिकी कहते हैं। बल गति का कारण होता है। समय इसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भ्रमावस्था एवं गति। भ्रमावस्था कोई वस्तु यदि समय और अपने परिवेश के सापेक्ष अपना स्थान परिवर्तन नहीं करती तो इसे भ्रमावस्था में होना कहते हैं। जब किताब मेज पर पड़ी होती है या कोई व्यक्ति कुर्सी पर बैठा होता है तो वो भ्रमावस्था में होता है। गति यदि एक वस्तु समय और अपने परिवेश के सापेक्ष स्थान परिवर्तित करती है तो इसे उसका गति में होना कहते हैं। हवा में उड़ती चिड़िया, पानी में तैरता जलयान गति के उदाहरण हैं। भ्रमावस्था और गति सापेक्षिक होते हैं। एक चलती हुई ट्रेन में बैठा व्यक्ति अपने सहयात्री के सापेक्ष भ्रमावस्था में है, लेकिन ट्रेन से बाहर की वस्तुओं के लिए गति में है। एक स्थिति में जो वस्तु गति में हो सकती है वही वस्तु दूसरी स्थिति में भ्रमावस्था में हो सकती है। अतः विराम और गति परस्पर सापेक्ष हैं। उदाहरण, अपने घर में बैठा हुआ एक व्यक्ति भ्रमावस्था में है किंतु धरती के संदर्भ में दूसरे ग्रहों के सापेक्ष वो गति में है। गति के प्रकार। गति तीन प्रकार की होती है। रेखीय गति, जब वस्तु एक सीधी रेखा के अनुदिश गति करती है तो उसे रैखिक गति कहते हैं। वृत्तीय गति, जब वस्तु एक वृत्त के अनुदिश गति करती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। दोलन गति, एक निश्चित समय अंतराल में किसी स्थिर बिंदु के आगे पीछे गति करने को दोलन गति कहते हैं। बिंदु द्रव्यमान वस्तु, कोई भी वस्तु बिंदु द्रव्यमान वस्तु होती है यदि गति के दौरान एक दिए गए समय में ये अपने आमाप से ज्यादा दूरी तय करती है।
उदाहरण पृथ्वी की सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा, सूर्य के पारिता, पथ की तुलना में पृथ्वी का व्यास बहुत कम है, अतः पृथ्वी को बिंदु द्रव्यमान वस्तु कहा जा सकता है। निर्देश तंत्र। निर्देशांक अक्षों यानी परस्पर समकोण बनाती तीन रेखाएं उसकी एक अवस्था जो कि एक प्रेक्षक यानी मूल बिंदु से संबद्ध हो और जिसके सापेक्ष कोई प्रेक्षक किसी गतिशील वस्तु की स्थिति, विस्थापन, वेग, त्वरण इत्यादि बता सके। इसमें तीन अक्ष एक्स, वाई और जेड तथा कण के प्रस्थान बिंदु पर एक केंद्र होता है, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गति। एक विमीय गति तीन निर्देशांकों में से केवल एक के सापेक्ष गति करना, साथ ही वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष परिवर्तित हो रही होती है। उदाहरण सरल रेखा में चल रही कार। द्विविमीय गति तीन निर्देशांकों में दो के सापेक्ष वस्तु की गति, साथ ही वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष परिवर्तित हो रही होती है। उदाहरण बिलियर्ड टेबल पर गति करती बिलियर्ड की गेंद। त्रिविमीय गति तीनों निर्देशांकों के सापेक्ष गति, साथ ही वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष परिवर्तित होती है। उदाहरण हवा में उड़ती हुई पतंग। पथ लंबाई और विस्थापन के बीच अंतर। संपूर्ण पथ लंबाई किसी वस्तु द्वारा दिए गए समय में की गई गति के दौरान तय की गई वास्तविक दूरी होती है, ये शून्य नहीं हो सकती, ये एक अदिश राशि होती है। विस्थापन एक निश्चित दिशा में समान समय में वस्तु की दो स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, ये शून्य हो सकती है, ये सदिश राशि है। चाल किसी वस्तु की गति उसके द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई और लिए गए समय के अनुपात के रूप में परिभाषित की जाती है। चाल बराबर पथ घटा लंबाई बटे समय अंतराल, ये अदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। इसका विमीय सूत्र निम्न है, एक समान चाल और असमान चाल। एक समान चाल जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसकी चाल को एक समान चाल कहते हैं। असमान चाल जब कोई वस्तु असमान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है या असमान दूरियां समान समय में तय करती है तो उसकी चाल को असमान चाल कहते हैं। औसत चाल और तात्क्षणिक चाल। औसत चाल किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और लिए गए कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर संपूर्ण पथ लंबाई बटे संपूर्ण समयावधि। तात्क्षणिक चाल समय अंतराल डेल्टा टी में किसी वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। वेग और इसके प्रकार। वेग किसी वस्तु का वेग वस्तु के विस्थापन और विस्थापन में उसके द्वारा लिए गए समय के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। वेग बराबर विस्थापन बटे समयावधि। ये एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। इसका विमीय सूत्र निम्न है, एक समान वेग जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसके वेग को एक समान वेग कहते हैं। असमान वेग जब कोई वस्तु असमान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है या असमान दूरियां समान समय में तय करती है तो इसे असमान वेग कहते हैं। गति का ग्राफीय निरूपण। दूरी समय ग्राफ दूरी समय ग्राफ से हमें चाल प्राप्त होती है। दूरी समय ग्राफ की प्रवणता से हमें चाल प्रदान करता है। एक यदि दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा है तो चाल एक समान है। दो यदि दूरी समय ग्राफ
एक वक्र रेखा है तो चाल असमान है। क्या आप जानते हैं? ब्रह्मांड में गति को यांत्रिकी के दो प्रत्यक्षता परस्पर विरोधी सिद्धांतों के समुच्चय से वर्णित किया जाता है। ब्रह्मांड की सभी बड़े और ज्ञात वस्तुओं की गति, जैसे प्रक्षेप्य, ग्रह, कोशिकाएं और मनुष्य का वर्णन क्लासिक यांत्रिकी द्वारा किया जाता है। बहुत छोटे परमाणविक और उप परमाणविक आकार की वस्तुओं का वर्णन क्वांटम यांत्रिकी द्वारा किया जाता है। सारांश, आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। स्थान में परिवर्तन को गति कहते हैं, दूरी के सापेक्ष गति को चाल कहते हैं और विस्थापन के सापेक्ष गति को वेग कहते हैं। गति सतत या परिवर्तनीय वेग के अनुरूप क्रमशः एक समान या असमान हो सकती है। दूरी या विस्थापन के परिवर्तन की दर हमेशा क्रमशः चाल या वेग प्रदान करती है।